नमस्कार स्वागत है आप सभी का लक्ष्य का टॉप टेन डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आज 6 जुलाई है और आज भी हम पहले की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है इससे पहले हम आज के पहले प्रश्न पर चलें या पिछली वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देखें आज का देखते हैं सुविचार क्या है जो हम जो कुछ हमारा है वह हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं ऐसा कहना है रविंद्रनाथ टैगोर का इसका जो एक सार निकलता है जो अर्थ निकलता है वह यह है, यह है कि यदि हम में यह क्षमता है अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की तो वह हम तक अवश्य ही आएगा लेकिन जरूरत है उसके लिए अथक प्रयास करने की बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की तो इसी के साथ ही चलते हैं कल के या पिछली वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देखेंगे के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने तो इसका उत्तर होगा साजन प्रकाश इसका उत्तर क्या होगा साजन प्रकाश जिन लोगों ने भी इसका उत्तर साजन प्रकाश दिया है बिल्कुल सही है तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में गंगा घाटी के हिमनद झील एटलेस जारी किया गया किसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा या इनमें से कोई नहीं तो इसका उत्तर होगा भारत सरकार के द्वारा तो हाल ही में गंगा नदी घाटी के हिमनद झील एटलस का विमोचन किया गया यानी कि ग्लेशियर लेक एटलैस ऑफ गंगा रिवर बेसिन का विमोचन किया गया हिमनद झील एटलस यानी ग्लेशियर लेक एटलैस का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन प्रभाव का विश्लेषण करने और आपदा न्यूनीकरण योजना बनाने के लिए किया जाएगा ताकि जितनी आपदाएं जो आ रही हैं डिज़ास्टर्स जो आ रहे हैं उनको कम किया जा सके तो भारत सरकार के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग सचिव ने हाल ही में ऑनलाइन कार्यक्रम में गंगा नदी घाटी के हिमनद झील एटलस जिसे ग्लेशियर लेक एटलस भी कहा जाता है का विमोचन किया है यह हिमनद झील एटलस गंगा नदी घाटी से पैदा होने वाली हिमनद झीलों का पर आधारित है जो उसके उद्गम स्थल से लेकर हिमालय की तलहट तक लगभग दो लाख सैंतालीस हज़ार एक सौ नौ वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र को कवर करती है इसी प्रकार देखें तो गंगा नदी बेसिन के अध्ययन में भारत का हिस्सा है और हिमा और सीमा पार क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है गंगा नदी की बात करें तो गंगा एशिया की एक सीमा पार नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि भारत की 40 प्रतिशत आबादी गंगा नदी पर निर्भर करती है गंगा नदी का उद्गम भारतीय राज्य उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय में है और यह नदी दक्षिण और पूर्व में भारत उत्तर भारत और दक्षिण के मैदान व बांग्लादेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है यह उन लाखों भारतीयों के लिए एक जीवन रेखा है जो इस पर अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए निर्भर होती है इसी के साथ ही अगर देखें तो यह है नदी को हिंदू धर्म में देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है वर्तमान में गंगा नदी गंभीर प्रदूषण के खतरे में है यह न केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी खतरा पैदा करता है गंगा नदी मछली की लगभग एक चालीस प्रजातियों और उभयचरों की नब्बे प्रजातियों का घर है नदी में सरीसृप और स्तनधारी भी शामिल हैं इनमें जिनमें घड़ियाल और दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन जैसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां शामिल हैं नमामि गंगा की बात करें तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अथवा नमामि गंगा परियोजना को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था यह भारत सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना को शुरू किया गया इसका अर्थ है कि इस परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ बनाना तथा उसके संरक्षण के लिए कार्य करना है इसी के साथ देखें तो नमामि गंगा परियोजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है गंगा नमामि गंगे परियोजना में डिजिटल एविलेटर मॉडल तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है जो सटीक डेटा संग्रहण सुनिश्चित करता है इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर की प्रधानमंत्री आवास योजना की कौन सी वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई छठी वर्षगांठ चौथी सातवीं या पहली तो इसका उत्तर होगा छठी वर्षगांठ हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना की छठी वर्षगांठ मनाई प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उस पर अगर दृष्टि डालें तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रारंभ किया गया था हाउसिंग फॉर ऑल के तत्वाधान में इस योजना को वर्ष दो इस योजना में वर्ष 2022 तक यानी कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी निवासियों सहित आई एम आई जी श्रेणी के विभिन्न शहरी आवास की कमी का समाधान करना है इसी के साथ ही देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल एक दशमलव एक दो करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से बयासी दशमलव पाँच लाख घरों के निर्माण के लिए आधार तैयार किए जा चुके हैं और लगभग अड़तालीस लाख का, का काम पूरा हो चुका है इस योजना यह योजना भारत की 40 प्रतिशत जनसंख्या की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुपरत रणनीति के उद्देश्य के रूप में तैयार की गई थी योजना का मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है कि ये शहरी गरीब लोगों को उसके प जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं हैं या वे बेघर भे, हैं उन्हें सरकार द्वारा पक्के घर की सुविधा उपलब्ध कराना है पहले मार्च 2022 तक गरीब वर्गों के लिए दो करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार बिल्डरों की सहायता से चुनिंदा शहरों में पक्के घरों का को निर्माण की कोशिश कर रही है इसी प्रकार देखें तो इस योजना के तहत प्रदान किए गए घरों को एक वयस्क महिला सदस्य या पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व किया जाएगा साथ ही इसमें पानी का कनेक्शन शौचालय तथा 24 घंटे बिजली भी होगी तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में भारत का कौन सा पड़ोसी देश मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया तो चीन बांग्लादेश श्रीलंका या म्यांमार तो इसका आंसर होगा चीन मलेरिया को मिटाने के सत्तर साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे लेकिन लगातार चार वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया मलेरिया मुक्त दर्जा किसे मिल सकता है इस पर देखें तो जिन राष्ट्रों ने मलेरिया के कम से कम लगातार तीन वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है वे मलेरिया मुक्त स्थिति में डब्ल्यू एच ओ प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों को कठोर साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए और संचरण को फिर से उभरने से रोकने के क्षमता को प्रदर्शित करना चाहिए इसी तरह से देखें तो चीन की स्थिति क्या रही तो डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाले चीन 40वां क्षेत्र बन गया है विश्व में हाल ही में दर्जा प्राप्त करने वाले चार अन्य क्षेत्र जैसे 2021 में अल सलवाडोर, 2019 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना और 2018 में पराग्वे और उज्बेकिस्तान थे जो मलेरिया मुक्त घोषित किए गए इसी प्रकार चीन डब्ल्यू एच ओ के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में लगभग तीन दशकों से मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण से सम्मानित होने वाला पहला देश बन गया है इस प्रमाणित स्थिति वाले अन्य देश ऑस्ट्रेलिया जो 1981 में प्रमाणित किया गया सिंगापुर 1982 में और ब्रुनई 1987 में डब्लू एच ओ और वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 की बात करें तो डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी के खिलाफ वैश्विक प्रगति विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में रुकी रुक रही थी जो मामलों और मौतों का खामियाजा भुगत रहे थे इस रिपोर्ट के अनुसार दो में सात लाख छत्तीस हज़ार लोगों की मौत हुई थी इस रोग के कारण 2018 में अनुमानित चार लाख नौ हज़ार लोगों की मौत हुई थी और लगभग 90 प्रतिशत मलेरिया से होने वाले होने वाली मौतें अफ्रीका में होती हैं और उनमें से अधिकांश छोटे बच्चे होते हैं तो इसी प्रकार आज का हमारा अगला प्रश्न है और कौन महत्वपूर्ण प्रश्न कि नस्लीय नस्लीय न्याय और समानता पर अपनी रिपोर्ट जारी की है किसने संयुक्त राष्ट्र ने नीति आयोग ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने या इनमें से किसी ने नहीं तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र ने तो संयुक्त राष्ट्र ने नस्लीय न्याय और समानता पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और जॉर्ज फ्लाइड की हत्या जैसे बार बार होने वाले आक्रोश से बचने के लिए दुनिया भर में अश्वेत लोगों के खिलाफ प्रणालीगत नस्लवाद को तुरंत खत्म करने का आह्वान भी किया है इस रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी मूल के लोगों के अमानवीकरण ने नस्लीय भेदभाव और हिंसा के लिए एक सांस्कृतिक सहिष्णुता भी पैदा की है इसमें पीड़ितों के लिए जवाबदेही और निवारण भी शामिल है तो मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय पर चर्चा करें तो इसे आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के रूप में भी जाना जाता है यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस के रूप में जाना जाता है तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गारंटीकृत मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए काम करता है यह कार्यालय उन्नीस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन के बाद स्थापित किया गया था तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कुंडनकुलम में पांचवी परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किस देश में किस देश ने शुरू किया है ऑप्शन है नेपाल चीन जापान या रूस तो इसका आंसर होगा रूस अभी हाल ही में ये विकास देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और रोटामॉस जो कि एक जापानी कंपनी है उसने कुंडन कुलम संयंत्र के निर्माण के लिए एक टेक्नोलॉजी भी प्रदान कर रही है इस संयंत्र में छः इकाइयाँ हैं जिसमें से प्रत्येक में एक मेगावाट उत्पादन क्षमता भी है यह है भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा भारत और रूस ने जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत एक ही जगह पर परमाणु संयंत्र की दो इकाइयों के निर्माण के लिए बातचीत शुरू की है जून 2017 में पांच और छह इकाइयों के लिए जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे कुंडनकुलम संयंत्र की यूनिट एक और दो पहले से ही चालू हैं इसी के साथ ही देखा जाए तो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में देखें तो यह है परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है यह तमिलनाडु के तिरु तिरुनेलवेली जिले के जिले में कुंडनकुलम शहर में स्थित है इस संयंत्र का निर्माण 31 मार्च 2002 को हुआ था हालांकि स्थानीय मछुआरों के विरोध के कारण इसे कई देरी का सामना करना पड़ा था कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में छह रिएक्टर हैं, जिस पर हम नजर डालें तो ये छह रिएक्टर वी वी ई आर वन रिएक्टर होने वाले हैं इन सभी रिएक्टरों का निर्माण रूसी राज्य कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एन के सहयोग से किया जा रहा है इन रिएक्टरों की स्थापित क्षमता 6000 मेगावाट बिजली है यूनिट एक को अक्टूबर 2013 में परिचालन और दक्षिणी पावर ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था यह 1000 मेगावाट तक बिजली पैदा कर रहा है इसी प्रकार देखें तो यूनिट दो को 29 अगस्त 2016 को बिजली ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था सत्रह फरवरी दो हज़ार सोलह को यूनिट तीन और चार का उद्घाटन किया गया था अब यूनिट पाँच और छः का निर्माण कार्य शुरू होगा तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि शतरंज इतिहास के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर कौन बने अभिमन्यु मिश्रा आदर्श सिन्हा पी गोपालन या इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा तो भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा शतरंज इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं उन्होंने 2002 में सरगेसई कार्जिक कर्जाकिन कर द्वारा बनाए गए 12 साल और 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है अभिमन्यु ने 12 साल 4 महीने और 25 दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल की है तो ग्रैंड मास्टर की एक उपलब्धि पर नज़र डालें तो यह खिताब वैश्विक शतरंज संगठन एफ द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है यह खिताब हासिल करने के लिए 2500 हज़ार की रेटिंग हासिल करनी पड़ती है तो यह है अभिमन्यु मिश्रा का चित्र तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर वस्तु और सेवा कर कब मनाया जाता है वस्तु और सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है तो छब्बीस जून सत्ताईस जून तीस जून या एक जुलाई तो इसका उत्तर होगा एक जुलाई को तो एक जुलाई को जी दिवस के रूप में मनाया जाता है यह वर्ष वस्तु और सेवा कर के ऐतिहासिक कर सुधार के कार्यान्वयन की वर्षगांठ भी है पहली जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के रूप में मनाया गया था संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य की मध्यरात्रि में जीएसटी लागू किया गया था जीएसटी क्या है वस्तु तो व सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसने कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है जो पहले भारत में मौजूद थे इसके साथ ही देखें तो 29 मार्च 2011 को माल और सेवा कर अधिनियम यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट संसद में पारित किया गया था और यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था यह पूरे देश में के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है और एक बहुस्तरीय व्यापक गंतव्य आधारित कर भी है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है जीएसटी व्यवस्था के तहत बिक्री के हर बिंदु पॉइंट ऑफ सेल पर यह कर लगाया जाता है जैसे देखें तो एक इंट्रा स्टेट बिक्री मामले में केंद्रीय जीएसटी एक सेंट्रल जीएसटी होता है और एक स्टेट जीएसटी शुल्क लगाया जाता है इसी तरह से अंतर्राज्यीय बिक्री पर एकीकृत जीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी को लगाया जाता है तो जीएसटी ने अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की बाधाओं को तोड़कर भारत को एक राष्ट्र एक कर में बदल दिया है तो इसी प्रकार चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है 26 जून 27 जून 30 जून या 1 जुलाई तो इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा 1 जुलाई को तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हर साल 1 जुलाई को पूरे देश में हमारे समाज के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है इस दिन का पालन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर चंद्र रॉय को सम्मानित करता है जिनकी जयंती और पुण्यतिथि इसी दिन होती है डॉक्टर चंद्र रॉय की बात करें तो उनका जन्म एक जुलाई उन्नीस को पटना बिहार में हुआ था और मृत्यु 1 जुलाई उन्नीस को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई थी वे अत्यधिक सम्मानित चिकित्सक और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे वह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और उन्नीस से उन्नीस में अपनी मृत्यु तक 14 साल तक अपने पद पर रहे उन्हें अक्सर पश्चिम बंगाल का महान वास्तुकार माना जाता है उन्होंने पश्चिम बंगाल दुर्गा में दुर्गापुर विधान नगर अशोकनगर कल्याणी और हावड़ा के पांच शहरों की स्थापना की थी वे ब्रह्म समाज के भी सदस्य थे वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के पूर्व छात्र रहे थे उन्हें उन्नीस में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है किया जा चुका था केंद्र सरकार ने उनकी स्मृति में डॉक्टर बी सी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की भी स्थापना की है उन्होंने 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गठन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या गुजरात तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है इस टेस्ट ट्रैक का इस्तेमाल गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए किया जाएगा और इस टेस्ट ट्रैक को नेट्रैक्स का नाम दिया गया है यानी कि नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक इस हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक की लंबाई ग्यारह दशमलव तीन किलोमीटर है और यह एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का पाँचवा सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक है इस ट्रैक को दो किलोमीटर प्रति घंटे के न्यूट्रल स्पीड और दो तीन सौ पिछहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे के अधिकतम स्पीड टेस्ट करने के लिए बनाया गया है इसी तरह तरह से देखें तो इस ट्रैक पर गाड़ियों के कई प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं इसमें ब्रेकिंग हाई स्पीड रन एक्सकलरेशन ईंधन खपत का मूल्यांकन हाई स्पीड हैंडलिंग और गाड़ी की स्थिरता शामिल है इस ट्रैक का प्रीमियर लग्जरी गाड़ियों समेत वाणिज्यिक वाहनों टू व्हीलर और थ्री व्हीलर और सभी कारों का टेस्ट किया जा सकता है वाहन निर्माता इस ट्रैक पर अधिकतम तीन किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी गाड़ियों को टेस्ट कर सकते हैं चूंकि यह है टेस्ट ट्रैक मध्य प्रदेश में स्थित इस है इसीलिए यह है सभी वाहन निर्माताओं के लिए भी सुलभ है तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत में आपातकालीन उपयोग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला एम आर एन ए टीका कौन सा बना स्पूतनिक कोवैक्सीन मोडर्ना इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर अं होगा मोडारना भारत ने अपने चौथे कोविड नाइन्टीन वैक्सीन और इसके पहले एम वैक्सीन मॉडर्ना के एम 1273 को मंजूरी प्रदान की है इसे अमेरिका के स्पाइक वैक्स ब्रांड नाम से बेचा गया है अब टीकों को नैदानिक अध्ययनों के को पूरा किए बिना भारत में आयात किया जा सकता है मॉडर्ना वैज्ञानिक मॉडर्ना वैक्सीन जिस प्रभावशीलता चौरानवे भारत में भारतीय तो के के कुछ इस प्रकार है फुकुओ का पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा साजन प्रकाश सज्जन सिंह पी साइनाथ या विनोद दुआ तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद